सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 8th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25। एक वृत्त लगाओ जो दी हुई रेखा ए बी को बिंदु पी पर और उसके बाहर दिए बिंदु डी पर स्पर्श करें। तो ये मुश्किल नहीं है, जो हमें दिया है हम वो सबसे पहले ले लेते हैं। हमें सबसे पहले दिया हुआ है ए बी रेखा है और एक बिंदु पी और डी, इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक रेखा ले लेते हैं ए बी, ये आपका पॉइंट है ए, ये है बी। अब ये कह रहा है कि ए बी रेखा पर जो है वो बिंदु पी दे रखा है, तो यहाँ हम बिंदु ले लेते हैं पी। और ये क्या कह रहा है कि बाहर दिए बिंदु डी, और एक बाहर बिंदु दे रखा है डी। अब ये हमारे पास इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं डी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो आपका पी पॉइंट है इस पे आपने एक 90 डिग्री का कोण बना देना है। यहाँ पे डिग्री का कोण आपको आता ही होगा बनाना, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये पहली चाप हमारी होती है 60 डिग्री की, दूसरी होती है 120 डिग्री की। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम इसको मिला देंगे, ये सारा काम हमारा डॉटेड है। अब हमने क्या करना है, P और D, ये जो पॉइंट हमने लिए थे इसको भी हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। और हमने क्या करना है, P और D जो हमारी रेखा है, इस रेखा का हमने समद्विभाजन करना है। इस रेखा को हमने दो समान भागों में बांटना है। हम इसमें चाप लगा देंगे कि हम पी पॉइंट से चाप लगा रहे हैं अभी, फिर हमने डी पॉइंट से इन चापों को काट देना है। डी पॉइंट से हमने चाप लगा दी, ये देखिए आप यहाँ पे ये चापे हमारी कट रही है। ये जहाँ पे दोनों चापे आपस में कट रही है इसको हम मिला देंगे। इस तरह से ये जो आपकी समद्विभाजन वाली रेखा है ये 90 डिग्री को काट रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ओ। अब हमने क्या करना है, ओ पॉइंट पर प्रकार रखो, या तो आप डी जितनी प्रकार खोल दो यहाँ से, या आप पी जितनी, देखिए बिल्कुल इक्वल आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है ये। तो यहाँ से हमने वृत्त लगाना है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये पी जितनी खोल दो चाहे डी जितनी खोल दो, देखिए बिल्कुल बराबर है। तो हमने यहाँ से वृत्त लगाना है, यही वृत्त हमारे से पूछा गया था, ये हम लगा रहे हैं। ये जो वृत्त लगेगा ये ए बी रेखा को बिंदु पी पर छुएगा और बाहर दिए बिंदु डी को भी स्पर्श करेगा। इस तरह से ये आपका जो है वो प्रश्न बनके तैयार हो गया है। ये प्रश्न नंबर आपका है 25। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 26। एक वृत्त खींचो जो ए बी रेखा को स्पर्श करें और बाहर दिए बिंदु P से गुजरे। वृत्त का अर्धव्यास H रेखा के समान दिया है। तो इसमें हमें पहले हमें दो पॉइंट दिए थे, अब हमें एक अर्धव्यास दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने लेनी है AB रेखा, यहाँ पे हम AB रेखा ले लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, ये हमारी है A और बी रेखा दी हुई है, और इसके बाहर हमें पॉइंट दिया हुआ है पी, और एक हमें दे रखा है अर्धव्यास एच रेखा के समान। तो हम एक अर्धव्यास ले लेते हैं,
ये हम ले लेते हैं एच के समान। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना आपका ये अर्धव्यास है इतनी हम प्रकार खोलेंगे और ए से यहाँ पे हम चाप लगा देंगे, बी से भी हम चाप पे लगा देंगे इस तरह से और हम इसमें लाइन लगा देंगे ऊपर से जहाँ ये चापे आपस में कट रही है। इस तरह से अब आप हम क्या करेंगे, प्रकार हमारी इतनी है जितना एच हमने पहले लिया है, हमने क्या करना है पी पॉइंट पर प्रकार रखनी है, ये पी पॉइंट आपका है और हमने यहाँ से चाप लगानी है इस रेखा पे जो हमारी ये रेखा आ रही है, इसका नाम हम दे देते हैं सी और डी, इन चापों का नाम हम सी और डी देते हैं। तो ये जो रेखा आ रही यहाँ पे कट रहा है ये, और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ओ। अब आपने क्या करना है, ओ पॉइंट पर प्रकार रखो, पी जितनी प्रकार खोल करके आपने यहाँ से, या फिर ये जो आपका एच है इतनी प्रकार खोल के आपने यहाँ से सर्कल लगाना है। ये जो सर्कल है वो आपको ए बी रेखा को भी छुएगा यहाँ से और आपके पी पॉइंट को भी स्पर्श करेगा यहाँ से। आप देख सकते हैं, देखिए ये ए बी रेखा को भी छू रहा है यहाँ से और आपका पी पॉइंट को भी छू रहा है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, ये आपका प्रश्न नंबर है 26 और ये बन के आपका तैयार हो।